आज हम बनाएंगे आइसक्रीम चॉकलेट, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही टेस्टी। चलो देखते हैं कैसे बनती है ये। हेलो फ्रेंड्स, तो पहले पैन में हमने आधा ग्लास पानी डाला है और एक ग्लास इसमें दूध डालेंगे। इसमें दूध हमने डबल टोन वाला लिया है और ये एक हॉट चॉकलेट का पैकेट डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। पैकेट पूरा डालना है, क्वांटिटी है आधा ग्लास पानी और एक ग्लास दूध और उसके बाद एक पैकेट हॉट चॉकलेट। चॉकलेट मिक्स हो गए, करीब एक मिनट तक हमने इसे पकाया और करीब दो चम्मच दूध लेकर उसमें हमने कॉर्नफ्लोर का एक चम्मच लेके मिला लिया है और अब हम इसमें उसको डाल रहे हैं। पैन में हमने इसे डाल दिया है, उसे चलाते रहेंगे धीमी आंच पर जब तक थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें हम दो डेयरी मिल्क के पैकेट को डाल देंगे, उनको टुकड़े करके डालना है। थोड़ा सा ये गाढ़ा हो चुका है और ये डेयरी मिल्क हम ले रहे हैं और इसके दो लेनी है डेयरी मिल्क और इनके पीसेस करके आप इसमें डाल देंगे, उसको मेल्ट होने देंगे। इस तरह से एक एक करके मैंने सारी इसमें डाल दी है और अब इसे हम मेल्ट होने देंगे। अब इसे हम पूरा अच्छे से मेल्ट होने देंगे और मेल्ट होने के बाद हम इसमें पाउडर शुगर मिलाएंगे करीब एक चम्मच। ये देखो गाढ़ा हो चुका है, थोड़ी सी मीठी होगी इसलिए हम इसमें पाउडर शुगर मिला रहे हैं। अगर आपको मीठा कम चाहिए या नहीं चाहिए तो इसमें पाउडर शुगर ना डालें। आप देख रहे हैं थोड़ा थिक हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे नट्स, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल सकते हो। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे आइस की ट्रे में जमाएंगे। इसे आइस ट्रे में जमाया है और ये आसानी से जम भी गई है और निकल भी गई है। आप इसे टॉफी की तरह भी ले सकते हो या फिर आइसक्रीम टॉफी कह सकते हो। बच्चे से बहुत खुश होंगे, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे आइस ट्रे में डाल देंगे। आइस ट्रे में डालने के बाद करीब 2 से 3 घंटे तक इसको फ्रीज़र में रखेंगे। ये पूरी तरह से सेट हो जाएगी फ्रीज़र में और फिर हम इसे निकाल लेंगे। 3 घंटे बाद हमने इस आइसक्रीम को निकाली और इस तरह से सेट हो चुकी है। अब नाइफ की सहायता से हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे और आप चाहो तो इसे फॉइल पेपर में पैक करके भी ट्रे में फ्रीज़र में रख सकते हैं और एक एक पीस करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।